स्वयं मिले, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट, मैं साकिब भाई के साथ हूँ पुणे में। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करोगे? फहद भाई टू माय लेफ्ट, अदनान भाई है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई एंड अस्सलाम वालेकुम तौफीक भाई। तौफीक भाई, तौफीक भाई अपने कौसर बाग की मंडी में थे। अरमान गोट फार्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इनसे शायद पहली बार हम वीडियो में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। साकिब भाई क्या बता रहे हो, हर साल आपका कोई ना कोई अच्छा भराई का बकरा होता है। जी भाई, ठीक है। फर्स्ट ईयर हमने कवर किए थे गब्बर। जी गब्बर। लास्ट ईयर वी कुड नॉट शूट। हाँ भाई, क्या था लास्ट ईयर आपका? लास्ट ईयर एक बकरा रेड्डी और शेट्टी करके था, दो बकरे रेड्डी और शेट्टी। हाँ। और अभी क्या है? अभी ये राजा है। राजा है इसका नाम? जी राजा नाम। ठीक है, थोड़ा लूज छोड़ोगे इसका चेहरा? जी बताइए, राजा के बारे में कुछ बताइए। राजा ला माशाल्लाह, पुणे। ये अरफात भाई मेमनगढ़ फार्म वाले से लिए थे भाई। अच्छा, वसई वाले? वसई वाले जिनका मैं फार्म शूट करता हूँ वो। जी उनसे। ओके, ये बकरा उनसे लिए थे। ये जंगल से आया था बकरा, बॉम्बे में नहीं था, जंगल में उन्होंने खरीदा। हाँ, था उन्होंने फिर खरीद उनसे के रखा था, उनके बकरे रहते वैसे भी जंगल में। ओके, मतलब तो वहाँ से अपने ले लिए थे अरफात भाई के थ्रू, और डायरेक्ट अपने पास आया। ओके, बकरा आया था अपने पास में, पर बकरा यहाँ आके मतलब जैसे होता है ना, मतलब इंसान भी होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है वैसे होता है, तो बकरा काफी टूट गया था बहुत दिन तक, तो खाना वाना नहीं उठा रहा तो था। कितने किलो पे आया था ये बकरा? आया था अपने पास में कुछ 65-70 किलो के करीब करीब आया था, फिर बकरे ने और वजन तोड़ दिया अपने पास आए बाद। हाँ, तो 50 पे चले गया था, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे 50-55 कुछ, समझो ना पूरी, मतलब मैं तुमको चाहिए तो यानी काफी टाइम हो गया बकरे को। हाँ, काफी टाइम हो गया। लेकिन अब जो वजन पकड़ा है माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा चीज बनी है, लेकिन इतनी लंबी फ्रेम वाला बकरा वाकई में चीज है। जी जी, और बहुत रॉयल है इसका जो एटीट्यूड है, एकदम रुबाब से चलता है, चलता रुबाब माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ भाई, लेकिन आपका तो वो रहा है कि भाई आपने 140-140 किलो के भी तैयार किए हो, तो क्या वजह है कि 120 पे फुल स्टॉप लग गया इस बार? 120-125 होगा, कितना होगा ये? 120 किलो है। 120 किलो होगा। जी जी, तो क्या वजह है कि 120 पे फुल स्टॉप लगा? अभी अदनान भाई इसका डिटेल में बता सकते हैं भाई। भराई आप कहते हो कि अदनान भाई? अदनान भाई और अरबाज भाई के अंडर में चल। ओके ओके, अदनान भाई वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, एक्सपेक्टेशन रही थी कि भाई आकिब भाई जो है जी बहुत बड़े बकरे उतारेंगे, बकरा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है जी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे यानी हमारी एक्सपेक्टेशन। जब फहद भाई हम लोग ने लिए थे ना ये अरफात भाई से, तो हमने बकरी की सिर्फ लेन देख के लिए थे ताकि हम इसको मुकाम तक पहुंचा सके जी। और बकरा ये आने के बाद में क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से जो है फहद भाई ये थोड़ा सा उतर गया था। ओके, और फिर उसके बाद में हमने इसको भराई पे चालू करे और ये चला अपना भराई पे बहुत माशाल्लाह, हर महीने अपने को 12 किलो 10 किलो तक वजन दे रहा था माशाल्लाह। हाँ, और स्टार्टिंग में हम लोग जो इसको सिर्फ चने की दाल और बड़ के पत्ते पे ही रखे। ओके ओके, बाकी एक्स्ट्रा उसको ऐसा। ये कब हुई थी शुरू भराई, कौन से महीने में? ये बकरी ईद के ऑलमोस्ट एक महीने के बाद, रमजान ईद के? नहीं, अच्छा लास्ट ईयर से भराई शुरू है, दो तीन महीने के बाद में हमने इसको शुरू कर दिया। ओके ओके, क्योंकि आने के बाद ये यानी नवंबर दिसंबर में हो गया होगा शुरू। जी जी, तो ये 7 महीने 7-8 महीने से भराई पे था, और अभी आप देखो ना 7 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो डबल ही आया है, ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है फहद भाई, क्योंकि ये जब आया था हमने वेट किए थे 70 पे था, फिर उसके बाद में कांटे पे जब बाद में उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मतलब प्रॉब्लम मतलब वो क्लाइमेटिक हो गया था, खारा पीरा नहीं था वो, और अकेला था ऊपर रूम के ऊपर, तो वो थोड़ा खाने पीने को नखरी कर रहा। जी जी जी, तो फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बाद में अपने एक महीने के बाद में वेट किए तो उतर गया बकरा 65 किलो, फिर उसके बाद में हमने उसको भराई पे ले लिए, फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फिलहाल में रिजल्ट है आपके सामने। ओके ओके, साकिब भाई क्या कहना है बकरे का आपके पास, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द गोट? भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी फ्रेम में बकरा है, जल्दी देखने नहीं मिलते कोटा में इतने बड़े फ्रेम के बकरे, अभी तो बहुत कॉम्पैक्ट आ रहे हैं बहुत माशाल्लाह, और मैंने आने के बाद देखा था बकरा वेट इसका काफी कम था, ऐसे समझिए कि डबल वेट पे लेके गए उन लोग 7-8 महीने में, माशाल्लाह बहुत बड़े फ्रेम में बकरा था। ओके ओके, तो काबिले तारीफ है भाई, मतलब 70 kg। अभी कितने दांत पे? पूरे दांत कर चुका है, पूरे दांत। क्या हाइट है इसकी? 40 कन्फर्म है। ठीक है, चलिए मैं मेजर नहीं किया, नहीं कोई बात नहीं है, आई मीन लोग जिसको चाहिए रहेगा, ये भराई के बकरे आई मीन आई डोंट थिंक कोई हाइट देके ऐसा कोई खरीदेगा, आके देखिए भाई क्या है, और उनसे भी बात करेंगे, और खामोश उनके क्या कहना है आपका? तौफीक भाई वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फहद भाई, बकरे के बारे में क्या कहना है आपका? माशाल्लाह फहद भाई, ये जब बकरा आया था तभी 55 पे आया था,
काफी कम था और बकरा बहुत कितने पे आया था? 55 पे आया था बकरा, 70 पे आया था जी। हाँ हाँ जी। और बकरी की लेंथ देखिए आप, चेहरा देखिए, सिक्के देखिए, कान देखिए, बकरा बहुत माशाल्लाह है। और बकरे में हर एक चीज़ है, बकरे में कलर अच्छा है, सिंग घुमावदार है, फ्रेम बहुत बड़ी है, फ्रेम बहुत बड़ी है। और खाने पीने में कैसा है बकरा अभी? खाने पीने में कैसा है? खाने पीने बहुत माशाल्लाह है। कितना अनाज देते हो इसको दिन में? इसको 1.5 kg देते हैं। 1.5 kg, ओके ओके। हमने साकिब भाई आपका बकरा भी हमने कवर किए है ना, कुछ तकरीबन आई थिंक 90,000 आप मांग रहे थे वो बकरे का, तो आपके हिसाब से बकरे का क्या दाम होना चाहिए इसका भाई? 130 क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेम में बकरे है नहीं भाई, मार्केट में है बकरे, बट इतने बड़ी फ्रेम में है नहीं जी। साकिब भाई से पूछे, साकिब भाई कितना मांग रहे हो बकरे का? भाई अपन फोन पे बताएंगे ना? बता दो यार अभी, क्योंकि अभी क्या बेचने का टाइम आ गया ना। सही है भाई, पर बता दो कितना? बता भाई अपन 95,000 में। 95,000 जी। मैं साकिब भाई से उनकी राय लेना चाहूंगा, आकिब भाई से, सॉरी आकिब भाई, 90 kg का बकरा आप 92 का 90,000 मांग रहे हैं और यहाँ पे 120 kg का बकरा, इतनी अच्छी फ्री। परचेस बहुत हेवी थी उसकी, तो वो कस्टमर क्यों भुगते फिर? नहीं मैंने भी परचेस किया है ना उसको, दो महीने पहले मैंने भी परचेस किया है, वो रेट मुझे लगा है, उसके बाद फिर लागत लगी है। लेकिन लुक्स अलग है, ऐसे कहे कि भाई वो बकरा अलग है, ये बकरा अलग है, हर चीज वेट पे नहीं होती है, हर चीज वेट पे नहीं होती है। हंसा बकरा 120 kg का, वो कोई कोई लोग 2 lakh भी मांगते हैं, 3 lakh भी मांगते हैं, 4 lakh भी मांगते हैं। कोटा बकरा अलग, पैटर्न का अलग, तो ऐसा बोलिए, ये नहीं बोलिए कि आपकी परचेस अलग है, हर एक जानवर का अलग अलग परचेस होगा। सो इनका बकरा अलग खूबसूरती में है, ये बकरा अलग खूबसूरती में, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ आकिब भाई का सपोर्ट करके, क्या ही इज जस्टिफाइड इन आस्किंग दैट प्राइस। अच्छा बकरा है उनका भी और ये भी बहुत अच्छा बकरा है। लास्ट प्राइस कितने में दे दोगे आप? अभी एकदम मतलब फाइनल वाली प्राइस बोला कितनी है? मतलब ऐसी 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees नहीं बोला। कितना बताया आपने? 95,000 नेगोशिएबल है। नंबर क्या है आपका? 9158080888004004 ओके, थैंक यू सो मच आकिब भाई, अल्लाह हाफिज़।